हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आशुतोष मिश्रा और स्वागत करता हूँ आशुतोष डे म्यूजिक में। दोस्तों, आज है अपनी विषय बांसुरी के ऊपर अलंकार बजाना और अलंकार के अभ्यास कैसे करें ताकि हमारे अलंकार पलटा अच्छे से हों और हम बांसुरी बजाने लग जाए। सबकी मन में ये सवाल होता है और कितने दिन में सीख जाए। ये सारी सवाल के जवाब देने के लिए ये वीडियो आपके लिए है और आइए फटाफट के अंदाज में बताने जा रहा हूँ और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं फिर आप हमें कॉल करते रहते हैं। तो ऐसा ना करें, पहले देख लें। जब आप लेसन फॉलो करेंगे, देखेंगे तो आपको समझ आएगा। जब समझ आएगा उसमें कोई त्रुटि होगी तो फिर आपका भाई बैठा है यहाँ पे। तो आइए फटाफट के अंदाज में जाते, मैं ये बता रहा हूँ जो कि छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए बताते हैं। देखिए, बांसुरी है लेकर के आपको बैठना है और रियाज के लिए आपको एक टाइम, एक शेड्यूल बनानी है जो कि इतने टाइम में हमें रियाज करना। और ये भी चलेगा यार, कोई इतना वो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि हमें टाइम होनी ही चाहिए, इतना टाइम मिलेगा तो ही हम करेंगे। क्योंकि एक भाई का फ़ोन कल आया था मेरे पास, वो कह रहा था मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह मैं चले जाता हूँ 7 बजे आता हूँ। यार 7 बजे चले जाता हूँ, 8-10 घंटा तो लोग काम करते ही है ना। लोग काम करते हैं 8-10 घंटे फिर जाकर के वो करते हैं। मैंने भी किया, मैं भी करता हूँ। 10-10 घंटा वर्किंग करने के बाद जो है फिर आप कीजिए ना। कहते घर वाले सपोर्ट नहीं करते, घर वाले क्या सपोर्ट करेंगे भैया, करोगे आप ना। जो करने वाले हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो करेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ है, एजुकेशन के क्षेत्र में म्यूजिक ले लीजिए, कोई पढ़ाई ले लीजिए, कुछ कंपटीशन की तैयारी ले लीजिए, अगर यदि वो चीज़ आप करते हैं और उसमें जब तक आप पागल नहीं हो जाते हैं, उसमें आपको पागलपन नहीं आ जाता, कहने का मतलब आप पागल नहीं हो जाते, मतलब उसमें पागल नहीं हो जाते हैं, तब तक वो चीज़ सक्सेस नहीं होता। और जब आपको लोग बोले जो कि यार ये पागल हो गया, तो समझ लेना आप सही रास्ते पे जा रहे। इसका मतलब है उसमें आप काफ़ी टाइम दे रहे हो, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हो, इसीलिए लोग आपको पागल बोलेगा। तो जब पागल बोलेगा तब समझ लेना जो कि हम सही राह पर जा रहे हैं। ओके, तो आइए फटाफट के अंदाज में बता रहा हूँ 4 अलंकार, और ये चारों को आपको विधिपत तरीके से देखना है और देख करके फॉलो करना है। ये मैं बार बार जो लेसन बना रहा हूँ ना, सेम ही, क्यों? क्योंकि आप समझ पाए, सीख पाए, नहीं तो हम अभी तुरंत लेके चले जाएंगे राग थाट के ऊपर, राग परिचय देना शुरू करेंगे, राग भैरव यमन ना जाने कितने हैं, शिवरंजनी बागेश्वरी, तो इस सब के ऊपर जब हम जाएंगे तो हम धीरे धीरे जाएंगे, आपको साथ लेके चलेंगे ना। ऐसा नहीं है ना जो कि अपनी हम चैनल के लिए काम करते रहेंगे और आपके लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम आपके लिए काम करेंगे। और मेरा मतलब ये है जो कोई कहीं से है, गांव से, समाज से, मोहल्ला से, क्षेत्र से, कहीं से भी है, उन तक मेरा ये पहुँचे वीडियो, और आप लोग पहुँचाइए उन तक और वो सीख पाए। क्योंकि उनके पास गुरु जी अवेलेबल नहीं है, कोई टीचर्स नहीं, और है भी जो वो ना जाने बहुत सारे पैसे मांगता है। तो हमारे पास है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, फ्री का क्लास है। म्यूजिक सीखिए, म्यूजिक से गले लगाइए, जिंदगी सवर जाएगी, जीने में मजा आ जाएगा, जिंदगी आपकी है। तो ओके, चलते स्टार्ट करते हैं, देखिए वीडियो। जब हम बांसुरी कैसे पकड़ते, पकड़ने का तरीका आपको पता है, पकड़ लिए ऐसे बांसुरी एकदम बिल्कुल बढ़िया ग्रिप मिलता है, कुछ भी हो जाए ये गिरने हिलने वाला नहीं है, ठीक ना। अब इसमें ऐसे करके फूंक लगाएंगे लंबा सांस भर भर के, ये देखिए, ये हो गया, ये तो एयर लगाने गया। इसमें मैंने बार बार बता चुका हूं जो कि इसको ऐसे बिल्कुल यहां लगाइए, अब बहुत सारे लोग क्या करता जानते हैं, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे करने से नहीं होगा, इसको बढ़िया से ऐसे लगाइए लीप, यहाँ पर लीप लगाने में आहिस्ता से फूकिए, देखिए, ये हो गया आपका लीप सेटिंग करने की तरीका, इसे बिल्कुल आप फॉलो कर लेना, ठीक है। सारे गामा तो आप जानते ही हैं। अब क्या करना है अपन को, एक सुर पे 3 बार गाना, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा
तीन बार करना है, एक हॉल पे तीन सुर लगाना है। जैसे देखिए, सा 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 मतलब एक सुर पे सा 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 रे 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 ग ग ग म म म हाफ नोट म म म प प प ध ध ध ध ध नी 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 सा 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 नी 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 ध ध ध प प प हाफ नोट म म म ग ग ग ग ग ग रे 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 म म म ग ग ग रे 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 सा सा सा। यानी कि तीन बार तीन सुर, एक सुर पे तीन सुर बजाना है। तो ये समझ गया, फिर से देखिए सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नी 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 सा 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 फिर अवरोह। ये हो गया आरोह, जाने को आरोह, आने को अवरोह। सा सा तीन बार बोलना सा 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 नी, ये इसको छोड़ रखेंगे तार सप्तक बजेगा सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 हाफ नोट म म म ग ग ग म बंद कर देंगे ग रे 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 सा 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 तीन नोट बजाना है। उसके बाद आपको ये अलंकार बजाना है। देखिए सा, देखिए ये सा सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नी म प म प ध नी प ध नी सा। ठीक है, अब करेंगे अवरोह। सा सा नी ध प सा नी ध प चार सुर बजाना सा नी ध प नी ध प म हाफ नोट नी ध प म। वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, तो चार सुर को आप बजाना है। ठीक है, ऐसे ही बजाते रहे, आप प्रैक्टिस करते रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में और अच्छे अच्छे लेसन लेके, इतना आप जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, तो रियाज